भजन उस समय का है, क्योंकि अयोध्या के अंदर एक सगर नाम का राजा हुआ था जिसको सब जानते हैं। नातू सिंह जी भी गाते कथा पूर्णमल में, अके हाँ 60,000 सगर के बेटे निर्भय होके फिरिया करते। वो कौन था सगर, कैसे हुए 60,000 पुत्र, ये तो लंबी कहानी है। मगर सगर राजा के 60,000 पुत्र हुए थे, और राजा सगर एक ऐसा राजा था जिसको चकुआ की उपाधि मिली थी। और ये धरती माला आज तक केवल 6 चकुआ हुआ छे, यम सगर को भी नाम छे, एक सगर का पोता अनुसुमान को नाम छे, एक चकुआ बैन को नाम छे, और चकुआ किसे कहते हैं ये समझना पड़ेगा। जिसका पूरे भूमंडल के ऊपर राज हो जाए उसको चकुआ कहते हैं। तो राजा सगर ने भी एक अश्वमेघ यज्ञ रचाया था, और घोड़े की पीठ के ऊपर तांबे के पत्र पर लिख दिया था ये सगर का यज्ञ का घोड़ा है, इसको कोई पकड़ेगा युद्ध करना पड़ेगा। और ये घोड़ा जिन जिन स्थानों पर जाएगा वो स्थान वो पृथ्वी राजा सगर की हो जाएगी। वो घोड़ा इस पूरे भूमंडल के ऊपर चक्कर लगा लेता है, किसी की पकड़ने की हिम्मत नहीं हुई। अगर सगर के 60,000 पुत्र है, मगर देवराज इंद्र देवताओं का राजा इस धरती का धनी मन में ये विचार करता है, अगर सगर के इन 60,000 पुत्रों का विनाश नहीं होगा तो धरती पर कई सगर पैदा हो जाएंगे, इसलिए इनका विनाश आवश्यक है। और विनाश ऐसे नहीं हो सकता, इनका विनाश हो सकता है तो केवल किसी ऋषि मुनि महात्मा के द्वारा ही हो सकता है। तो सजनों, भगवान विष्णु ने कपिल अवतार लिया था, पहली बार में वरा बना ये पृथ्वी अद्र उबारी थी, दूजी बार में यज्ञ पुरुष ये प्रजा रची देधारी थी, तीजी बार में कपिल मुनि मेरी देवहूति महतारी थी, और चौथी बार में दत्तात्रेय मेरी अत्रि गैल्या यारी थी, पांचवी बार शंखादिक बन के दे दीखे थी चार मेरी, इस वसुंधरा का मैं भारतार था, ये लीला है साकार। तो सजनो, भगवान विष्णु कपिल अवतार लेते हैं, देवराज इंद्र उस घोड़े की चोरी करके उस कपिल ऋषि के आश्रम में बांध के आ जाता है। सगर के बेटे जब घोड़े की तलाश में उस आश्रम में पहुंचते हैं, महात्मा ऋषि भजन में लीन था, सजनो ऋषि के लात मार देते हैं, ऋषि का अपमान कर देते हैं, और सजनो ऋषि के आंखों से क्रोध की अग्नि निकलती है, पूरे आश्रम में अग्नि फैल जाती है, और उस अग्नि के अंदर 60,000 सगर के बेटे भस्म हो जाते हैं। सजनों, बताया जाता है कि भस्म तो हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं अगर जिसकी अकाल मृत्यु होती है, जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है, जो बेमौत मरता है, उसको प्रेत योनि में जाना पड़ता है, क्योंकि ये तो सब जानते हो देव योनि प्रेत योनि पितृ योनि। लेकिन बताया जाता है सारे के सारे प्रेत योनि में भटकते हैं। तो सजनों, सगर की चौथी पीढ़ी में एक राजा भागीरथ होता है, जो गंगा जी की अखंड भक्ति करता है, और कैसे गरुड़ भगवान से उसकी मुलाकात होती है कि भागीरथ जो तू भक्ति कर रहा है वो तेरी गंगा के पास भक्ति नहीं पहुंच रही है, क्योंकि गंगा जी इस समय ब्रह्मा जी के कमंडल में निवास कर रही है, इसलिए गंगा को प्रसन्न करना चाहता है तो ब्रह्मा जी का याद करना पड़ेगा, फिर ब्रह्मा की भक्ति करता है, याचना करता है, तब जाके गंगा से भागीरथ से संपर्क होता है, और गंगा से भागीरथ क्या कहता है, और भागीरथ गंगा से क्या कहता है, एक छोटा सा प्रसंग है, क्योंकि ये कोई बीच में बाद में समझे, कोई मन में ये भ्रम करे कि भाई ये गंगा गंगा इस मृत्यु लोक में कई बार आई है और आती रहेगी, और अब इस कलयुग के चौथे चरण में गंगा वापस बैकुंठ में चली जाएगी, और गौ माता देखने को नहीं मिलेगी, ये भी लेख मैंने पढ़ा है, ये दोनों की शुरुआत हो गई है। और ऐसा भी कहते हैं कि हर कल्प में भगवान के अलग अलग रूप होते हैं। आपने ये तो सुना होगा कि तुलसी कथ रामायण के अंदर तुलसी बाबा ने लिखा है, वाल्मीकि में भी लेख मिलता है कि जब भगवान श्री राम का अयोध्या में जन्म होता है एक कल्प में, अब वो कौन सा कल्प था, हाँ कल्प की कल्प का मतलब होता है चार युग होते हैं, जब सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग बीत जाते हैं उसको कहते हैं चतुर्युगी, चार युगों की।
और जिनकी उम्र होती है 43,20,000, सत्यु की उम्र होती है 17,28,000, त्रेता की उम्र बताई है 12,96,000 वर्ष, द्वापर की उम्र बताई है 8,64,000 वर्ष और कलयुग की उम्र बताई है 4,32,000 वर्ष। चारों मिलकर के और उम्र होती है 43,20,000, जिसको कहते हैं एक चतुर्युगी एक चौकड़ी। और इघेत्र चतुर्युगी होते हैं और सजनु उनको मिला करके होता है एक मनवंतर, और 14 मनवंतर बताए जाते हैं। जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं उसको कहते हैं एक कल्प। वो एक कल्प इस ब्रह्मा जी की उम्र होती है, फिर ब्रह्मा जी को भी मरना पड़ता है, ऐसा कहते हैं। एक कल्प एक सृष्टि की उम्र होती है, जिसकी आयु है उम्र है 4,29,40,80,000। इतना समय होने के बाद में सजनों महाप्रलय हो जाती है और फिर से सृष्टि की रचना होती है। उतने समय की ब्रह्मा की रात होती है, तो अलग अलग कल्प की अलग अलग कहानी बनती है। एक कल्प की बात है, कोई बतावे गंगा जांगू ऋषि की जाई है, कोई बतावे गंगा राजा शांतनु को ब्याई है, कोई बतावे गंगा नर और नारायण से आई है, ऐसा लेख मिलता है। नर और नारायण से आई है कैसे? क्योंकि एक बार भगवान ब्रह्मा जी के पांच मस्तक थे, चार से ब्रह्मा जी वेद लिखते थे, वेदों का पठन पाठन करते थे, वेदों का प्रचार प्रसार करते थे, और एक मस्तक से ब्रह्मा जी वेदों की बुराई करते थे, वेदों को गाली भी दे देते थे। तो शिव जी शंकर को गुस्सा आता है, उस ब्रह्मा जी के पांचवें मस्तक को काट देते हैं। और सजनों वो पांचवा मस्तक भगवान शिव की अथेली का चिपक जाता है। भगवान शिव इस पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाते हैं, उस ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त नहीं होते हैं। सजनों बताया जाता है, नारद मुनि कहते हैं कि हे भोलेनाथ, इसका मात्र एक उपाय है, गंध मादन पर्वत के शिखर के ऊपर नर नारायण ऋषि तपस्या करते हैं, आप जाके उनकी सेवा शुश्रूषा करो, आप इस पाप से मुक्त हो सकते हो। तो ऐसा ही हुआ था। गंध मादन पर्वत जो हिमालय से उत्तरी दिशा में पड़ता है, उस पर्वत पे सजनु इस कलयुग में हनुमान जी का निवास भी बताया है। वहां पर भगवान शिव जाते हैं, उन ऋषियों की सेवा सुसेवा करते हैं, तो ऋषि की दैनी भुजा से एक पानी की धार निकलती है, जिसमें भगवान शिव स्नान करते हैं और उस ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त होते हैं, और वही पानी की धार आगे जाके गंगा का रूप लेती है, ऐसा लेख मिलता है। तो सजनों वैसे तो इस जिक्र के बारे में मैं सुबह तक बोले जाऊं बोले, लेकिन सजनों बोलना गलत है, क्योंकि इसमें मर्यादा का उल्लंघन होता है। क्योंकि संसार में दो शब्द में और बोलना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, क्योंकि भजन लंबो को ना छोटो सो गंगा जी को भजन चाहिए, मैं दो शब्द बोल लू। मैं इस संसार में सभी प्रकार के आदमी हैं, लेकिन कुछ प्रकार के आदमी ऐसे होते हैं जिनको जीने का ही कोई अधिकार नहीं होता है, वो तो जिंदे होते हुए भी मुर्दे के समान है। ओनली दो शब्द बताऊंगा कौन कौन से आदमी। भाई गाय ब्राह्मण साधु संत ने मारण वाला मर जा, यज्ञ हवन पुण्य दान भजन में बाधा डारने वाला मर जा, अरे दारू पी के भले आदमी की इज्जत तारण वाला भी मर जा। बोले गौ माता की जय हो। तीस किलो दूध दे बाल की जय। कौन बोल रहे हो? देसी गौ माता की। क्या है देसी गौ माता? देसी गौ माता कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, भगवानों का भगवान कहलाती है। आपको पता होगा समुद्र मंथन हुआ था, देवता दैत्य मिलकर के, और समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, उनमें सबसे पहला रत्न गाय निकली थी कामधेनु, और जी का हुई थी पांच बाछड़ी। पहली बछड़ी का नाम था सुरा गाय, जो आज भी हिमालय में पाई जाती है, 6 महीने में पूंछ के बाल उतार देती है, जिससे आप देखना भगवान के मंदिर में चवन उड़ाए जाते हैं आरती के समय, वो सुरा गाय की पूंछ के बाल है। दूसरी बछड़ी का नाम था
कपिला जो कपिल मुनि के पास में से तीसरी बछड़ी का नाम था कोकिला, जो ऋषि कन्नाद के पास में थी चौथी बछड़ी का नाम था क्या नंदनी, जो भृगु ऋषि के पास में थी, और पांचवी का नाम था कामधेनु जो वशिष्ठ मुनि के पास में थी, और उसी का यह वंश चल रहा है जिसकी इस समय बुरी दुर्दशा हो रही है। लेकिन जब जब गाय और गंगा के ऊपर आंच आती है तो सर्वनाश होता है, वो समय आने वाला है। इसलिए बोले गौ माता की जय हो। आइए जी करें, राजा भागीरथ माँ गंगा से क्या कहता है और गंगा भागीरथ से क्या कहती है, चार कली का छोटा सा भजन है और होना भी चाहिए। बोले गंगे मैया की जय हो। अरे कणी लग्या भागीरथ सुन ले, ओ रे 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 सुन ले, अये गंगा मैया अर्ज मेरी, हे मेरे पितरों का उद्धार बनेबा, विनती कर ले दर्ज मेरी, मेरे फटकों का उद्धार बनेबा, विनती कर ले दर्ज मेरी, मेरे पितरों का उद्धार बनेबा, विनती कर ले दर्ज मेरी, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। अरे विनती कर ले दर्द मेरी माँ, विनती कर ले दर्द मेरी, बड़को का हो दार बने मेरी, मेरे पितरों का, मेरे पूर्वजों का, मेरे बड़के बूढ़ों का उद्धार बने वा, विनती कर ले दर्ज मेरी। नंबर एक में भागीरथ माँ गंगा से क्या बोलिया, क्या बोलिया, अये मेरे दादा अनुसुमान को, ओ मेरे दादा अनुसुमान को, कपिल मुनि बोलिया बाणी, अये मुक्ति मारक पतलाया गंगा तेरा पानी, अरे मुक्ति मार्ग बतलाया माँ गंगा तेरा पानी, मुक्ति मार्ग बतलाया माँ गंगा तेरा पानी। अय पद चट कर सब करी तपस्या, पड़ेगी विपत उठानी, आखिर में ना सफल हुआ सब गया काल की गानी, आखिर में सफल हुआ सब गया काल की गानी, आखिर में सफल हुआ सब गया काल की गानी। अये दिल्ली पपिता गया छोट जगत नहीं, सुन ले माता गरज मेरी, मेरे बुढ़को का उद्धार बनेबा, विनती कर ले दर्ज मेरी, मेरे पितरों का उद्धार बनेबा, विनती कर ले दर्ज।
दादा अनुसुमान को कपिल मुनि बोला बाणी मुक्ति मार्ग बतलाया माँ गंगा तेरा पानी भट छट कर सब करी तपस्या लेकिन पड़गी विपत उठानी आखिर में कोई भी ना सफल हुआ सब गया काल की। मेरा पिता राजा दिल्ली भी छोड़ गया इस जगत ने अब सुन ले माता गर्ज मेरी कैसे भी मेरे पितरों का उद्धार बनवा विनती कर ले। हे माँ गंगे ऐसे ऐसे मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो चुके हैं और वो प्रेत योनि में जा चुके हैं इसलिए मेरे दादाजी को जिनका नाम था अनुसुमान उस मेरे दादा अनुसुमान को उस कपिल महात्मा ने उनकी मुक्ति का एक रास्ता बताया है और वो रास्ता है तेरा पानी इसलिए माँ तेरी भक्ति करता करता मेरा बाप मर गया मेरा दादा मर गया मेरा परदादा मर गया आज तो मेरी भक्ति से प्रसन्न है। हे माँ गंगे कैसे इस मृत्यु लोक में आ और मेरे 60,000 बट के बुद्धू का कल्याण करे। तो गंगा कहती है भागीरथी जितनी इच्छा तेरी है मेरे को मृत्यु लोक में बुलाने की उससे कहीं ज्यादा इच्छा मेरी आने की लेकिन आऊं तो कैसे आऊं। अरे मेरा गला गमाए आड़ा छड़ा पड़ा से कैसे मन पर करे कहे माँ समझे को ना मैं बोले मेरे सामने दो समस्याएं उनको दूर करना पड़ेगा मैं अभी आने के लिए तैयार हूँ। बोले माँ दो क्या मैं 100 समस्याओं का समाधान भी करूंगा लेकिन जल्दी बता समस्या कौन सी। तो गंगा अपनी दो समस्या कौन सी बता रही है। अरे बोली गंगा सुन भागीरथे ओ बोली गंगा सुन भागीरथे परसन हूँ तेरे तप बल में मेरा वेगन उन डाटे जाऊं धरती फोड़ रे सातल में मेरा वेगन उन डाटे जाऊं धरती फोड़ रे सातल में मेरा वेगन उन डाटे जाऊं धरती फोड़ रे सातल में। ऐसा देवता प्यार करो तुम ऐसा देवता प्यार करो जो डाटे जाल इस थल में पापी अधर्मी पाप धोएंगे मेरे शीतल जल में पापी अधर्मी पाप धोएंगे मेरे शीतल जल में पापी अधर्मी पाप धोएंगे मेरे शीतल जल में। पर उन पापों को मैं का दो होंगी रे जिससे होगी फर्ज मेरी मेरे पदकों का उद्धार बने भागीरथी। पहली समस्या तो यह है अगर मैं ब्रह्मलोक से मृत्यु लोक में आऊंगी तो मेरा वेग इतना भयंकर होगा मैं इस पृथ्वी के नजदीक आते आते इतना वेग भर जाएगा पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी फोड़ दूंगी धरती को और चली जाऊंगी रसातल को इसलिए नहीं तो यहाँ के काम के न वहां के काम की मेरे को बुलाना चाहता है। तो ऐसा देवता की भक्ति करे ऐसे देवता को तैयार करे जो मेरे वेग को रोके। बोले माँ उस देवता का नाम बता। तो देखो देवी भागवत पुराण में ये लेख मिलता है अब गंगा हिमालय की ही पुत्री थी इस बात को सीताराम जी बहुत बार कहते हैं।
देवी भागपुराण में ये लेख मिला है, गंगा हिमालय की पुत्री थी, पार्वती से छोटी बहन का नाम गंगा था, और ये गंगा भगवान शिव के साथ में विवाह करने के लिए शिव की भक्ति में लग जाती है, तो बड़ी बहन पार्वती को क्रोध आ जाता है, छोटी बहन गंगा को श्राप दे देती है, और ये गंगा उस श्राप की वजह से तरल बन जाती है, पिघल के पानी के रूप में धार बहना शुरू, उसी का नाम गंगा बताया है। तो गंगा कहते कि भागीरथी एक देव है, देवों का देव महादेव भगवान शिव, वही मेरे विवेक को सहन कर सकता है। तो सज्जनों भागीरथी कहते हैं मां दूसरी समस्या, बोला दूसरी समस्या यह है, अगर तेरे मृत्यु लोक में पापी लोग रहते हैं और वो पापी लोग पाप करके मेरे पानी के अंदर स्नान करेंगे, मेरे अंदर उन पापों को धोएंगे, तो बता फिर मैं उन पापों को कहां पर धोऊंगी, उन पापों को मैं कहां धोऊंगी जिससे होगी हर्ज मेरी, हर्ज मानी नुकसान। तो सज्जनों भागीरथ क्या कहते हैं, मां इन दोनों समस्याओं का समाधान अभी करता हूं। कैसे, बोले ऐसे। तो क्या बोला भागीरथ, आयतन मन धन तज कुटुंब कबीला, तन मन धन तज कुटुंब कबीला, ले लेते हैं जो संन्यास परम पिता परमात्मा उनके घट में करता हर विपास, परम पिता परमात्मा उनके घट में करता हर विपास, परमात्मा उनके घट में करता हर विपास। इस बात से मैं कभी सहमत नहीं हूँ, हाँ मेरे मृत्यु लोक में पापी तो रहते हैं मगर धर्मी लोग भी रहते हैं। ऐ मां ऐसे ऐसे ऋषि मुनि महात्मा संन्यासी योगी जिनके घर कुटुंब परिवार कुछ भी नहीं है, उनको इस संसार से कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा अपने घट के अंदर उस परम पिता परमात्मा का गुणगान करते रहते हैं। और मां ऐसे ऐसे योगी ऋषि मुनि जब जब तेरे पानी के अंदर आकर के स्नान करेंगे तेरे सारे पापों को वो नष्ट कर देंगे। और मां मैं भगवान शिव की भक्ति करूंगा और अवश्य उनको प्रसन्न करूंगा और भगवान भोलानाथ आपके विवेक को डांटेंगे। तो देखो क्या बताई तीसरी कड़ी में, आयतन मन धन तज कुटुंब कबीला, ले लेते हैं जो संन्यास परम पिता परमात्मा उनके घट में करता हर विवास, परम पिता परमात्मा उनके घट में करता हर विवास, परम पिता परमात्मा उनके घट में करता हर विवास। उनके जल में नानी से पाई, उनके जल में नानी से तेरे हो जाएगा पापों का नाश, बोलो शंकर डांट जाल ने ये है मन में अविश्वास, बोलो शंकर डांट जाल ने भजन की आखिरी कड़ी लेते हैं। अरे शिव भक्ति में बैठ गया रे,
राजा भागीरथ कैसे शिव भक्ति में बैठता है, कैसे शंकर भगवान प्रसन्न होता है। शिव भक्ति में बैठ गया वो तज के सारा पश्चाताप, शिव भक्ति में बैठ गया वो तज के सारा पश्चाताप। अरे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, करनी लाता हर दम जाप। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, करनी लाता हर दम जाप। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, करनी लाता हर दम जाप। भाई अर्जुन लाल गुरु नारायण दास जी, अरे बात बता दी मुझको सांप, राम नाम का सुमरण से कतपुर जन्म का सारा पाप। राम नाम का सुमरण से पूर्व जन्म का सारा पाप, राम नाम का सुमरण से पूर्व जन्म का सारा पाप। भाई रामचंद्र यादव ने गाई ओ रे रे रे, आखिरी शब्द राम नाम का सुमरण से कटे पूर्व जन्म का सारा पाप। सजनों, एक राम का नाम ही ऐसा है जो हर समस्या का निवारण कर सकता है। कर्म तीन प्रकार के होते, प्रारब्ध और संचित और क्रियमान। ये जीव आत्मा उस परमात्मा का अंश है। ये परमात्मा जब सृष्टि की रचना करता है तो एक बार करता है, बार बार नहीं करता है कि वो मर गो और वो जल में आयो, वो मर गो वो जल में आयो। ये नए नए जीव नहीं बनते, एक बार सृष्टि की रचना करता है, अपने अंश को भेजता है, अगले जाओ ऐसा कर्म करो ताकि वापिस मेरे अंदर आकर के मिलो। और 84 लाख बना दिया डब्बा, जीव शरीर बना दिया। तो महाराज जो कोई योगी ऋषि मुनि मतलब लाया गया थे, जो भजन करे भी परमात्मा ने प्राप्त हो जाए थे, और बाकी तो कुत्ता बिल्ली गधा ओढ़ा बन जाए थे, लग 84 में भटक जाए थे। तो देखो प्रारब्ध कर्म जीवात्मा ने आया मन समझ, जब अपने भगवान के टुकड़े अंश हैं तो अपने पूर्व ज्ञान से, लेकिन ज्ञान ने काम को ले रहे क्यों, कोई सतगुरु की शरण में कौन गया ना कह अपन ज्ञान मिले। अगर इस जन्म के मायने आपा दुख पारा चा धक्का खारा चा, या समझ लीजिए कि आप प्रारब्ध खराब छो, कोई पहला जन्म के माय बुरो कर्म करो छो जो भी को फल भोग रहा चा, और जब इस जन्म के मायने आनंद भोग रहा चा तो या समझ लीजिए अगर भाई कोई गैल का जन्म बढ़िया कर्म करे छो जी को फल। इन तो कहते प्रारब्ध, और दूसरो संचित, जो भी अपन कर्म कर रहे हैं अब, जो अपना इकट्ठा संचित हो रहा है, अपना जमा हो रहा है, और सजनों फिर उसके हिसाब से अगला शरीर मिलेगा अपने को। रोजाना का एक पन्ना तैयार होता है, कोई ये मत समझना कि अपन कौन देगा जे, कौन देगा जे, अपन यहाँ थाली मान देखे जे, कई खे बाजा मान देखे जे, एक रुपया की हेरा फेरी कभी बोल जाए छा, ये मत देखना कौन देखे अपने। रोज एक पन्ना तैयार होता है और पूरे जीवन रजिस्टर तैयार हो जाता है, फिर उसके हिसाब से उसका लेखा जोखा होता है। तो इसको कहते हैं संचित कर्म। और तीसरा कर्म होता है क्रियमान। क्रियमान कर्म भी ने खजे गाड़ी ने करो अड़ी ने भरो, या रात ने गाबा बजागा लेगा 10-5 रुपया बत्ती तो गिर लगे माए ने क्यों जाए लोग, टायर पंचर हो गो टायर फूट गो तो हाथोंद फल मिल गो ना गो। अरे भगवान का नाम कमाए बेईमानी करी से हाथोंद भी ने खजे क्रियमान कर्म अड़ी ने करो अड़ी ने भरो। और चार ही भजन तो पूरा हो गया कि लाइन बाकी बस हो गया। चार प्रकार से जीवन जिया जाता है। आखिरी शब्द एक मिनट का और सुन लो क्योंकि मेरी बाण से खोटी खोटी अहिया से खोटी अगर फिर नैला पर दे लो मने भी देनो पड़ जा मंदो टेम तो पूरा करनो मने भी तो फिर मैं कम सुख्या सु क्योंकि काम क्रोध मद लोभ अन त्याग देख अन दबाले वो संत वच है। संतांग में भी काम क्रोध मतलब से लेकिन बे दबार रखे जी भी चीज ने काम में कदली से समय पर जना फिर
आपा ऋषि मुनि के संतान सा अपना बड़का बूढ़ा बही छे बेबी काम ने काम लेता लेकिन ओनली संतान उत्पत्ति और आ दुनिया दिन रात भी के पास भगरी से ये गलत है। उनमें क्रोध भी था क्रोध कब काम लेते थे जब अत्याचार होता था जब जहाँ पाप होता था वहां पर भस्म कर देते थे। लोभ भी था उनमें लेकिन भजन का तो चार प्रकार से जीवन जिया जाता है सोन जी। एक तो मौज एक सुख एक आनंद और एक परमानंद। वर्तमान में 100 में से 85% लोग मौज में जीवन जी रहे हैं। मौज किसे कहते हैं? कोई को दोसाई पीबा की मौज, कोई के बीड़ा पीबा की मौज, कोई को दारू पीबा की मौज, हाँ कोई के गाबा की मौज, कोई के चुगली करबा की मौज। आप खा भी सना सुनाओ साहब का ही हाल से। हाँ मौज है चाहे अगर हने रोज ना के भी लीटरा लागता हूँ पर मेरे बोटो यही खलो मौज से 85% आदमी मौज में जिंदगी जी रहा टाइम के मायने तड़ा बचेगा 15% बामासू 10% आदमी सुख में जीवन जी रहा से। किसे कहते सुख? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। शरीर स्वस्थ होना चाहिए अरे 65% सुख काम चल जाए और संस्कारी घर में औलाद हुए और सजनों परिवार में आपस में प्रेम हुए बिन सुख से। जना कहता होगा 85% तले बचेगा 5 बामसु 3% आदमी आनंद में जीवन जीवन से। किसको कहते हैं आनंद? ये सुख वाली जो बातें हैं ये तो होंगी होंगी निरोगी काया धन माया संस्कारी औलाद परिवार में प्रेम इनके अलावा 2-3 बात और जुड़ जाते हैं उसको कहते हैं आनंद। 2-3 बात कौन सी? एक तो समय माड़ा सोए और समय माड़ा उठे और मुख्य इंपॉर्टेंट बात है मुख्य पॉइंट शुद्ध खाना खाए शुद्ध भोजन क्योंकि अपन जैसा अन्न खाते हैं वैसे अपने विचार बनते हैं वैसे अपनी बुद्धि बनती है वैसे अपना मन बनता है। अगर शुद्ध भोजन खावाला तो बढ़िया विचार बनेगा और बढ़िया बुद्धि बनेगी बढ़िया मन रह लो और तड़ा फड़े अंडा मांस मदले खावाला तो बुद्धि भी खराब है मन भी खराब है सब कुछ खराब ही खराब है। इसलिए जो इतना काम कर लेता है शुद्ध खाना खान पान उसको कहते हैं आनंद का जीवन। लेकिन 100 मासू 3 ही जीवन कहता होगा 98 राम उतार जी अब तले बचगा 2% और बह जीवन से परमानंद को जीवन अब बते खो कड़े से बे अजारा में तो मिले कौन ला लाखा में भी कौन मिलेगा कोई करोड़ा में क्यों क्यों मिल सके से और बह कौन से कोई योगी ऋषि मुनि संत जो गुफा में पड़े से बाने कोई मतलब को ना संसार से बे मन में भगवान को भजनी करें से क्योंकि 100 साल की कलयुग की उम्र बताई चे और 92 करोड़ सास बताया चे अब थारा हाथ में से बाने कैसे न सोते अगर जल्दी तो काम सटन सके तो जल्दी जल्दी ले लो और उम्र न बढ़ानी चे तो धीरे धीरे लो। अब बे कया 1 मिनट में एक साधारण आदमी चलता फिरता उठता बैठता 16 श्वास लेता है वही आदमी जब सो जाता है तो 1 मिनट में 32 श्वास लेता है सोने के बाद में डबल क्यों बिना और काम तो से गुना वही काम बिंदु सांस लेवे कोई और वही आदमी चलता फिरता जागता 16 श्वास मिनट के और सो जाने के बाद में 32 श्वास डबल और वही आदमी भोग के समय 64 श्वास लेता है 4 गुना ज्यादा और वही आदमी जब भजन करता है भजन ये नहीं ये तो सत्संग है भजन जब भजन करता है तो 1 मिनट में केवल 3 या 4 श्वास लेता है। इसलिए उम्र बढ़ेगी भजन करने वाले की। भजन कौन सा खेचना योगी मुनि श्वास न कपाली में छोटा गुफा में हजार बस तक मरे कौन से या पिंजरों सूख जाए थे भजन में लग जाए थे श्वास न कपाली में खे जाए थे। इसलिए सबसे उम्र किसमें भजन करने वाले की हाँ तो ये अच्छा है कि थारा हाथ में छे अगर जल्दी तो उम्र सल्टा वाला 40-30 साल कमाए तो फिर वो कुकरो जीव निकाल 5 वर्ष जीव छोड़ो तो अपना हाथ में छे अपने कत्ती उम्र लेनी से। इसलिए भजन करना चाहिए कम से कम 6 मिनट रोज की आखिर में बता दिया क्या बताया अरे अर्जुन लाल गुरु नारायण दास की बात बता दी मुझको सांप राम नाम के सुमरण से कटे पूर्व जन्म का सारा पाप राम नाम के सुमरण से कटे पूर्व जन्म का सारे पाप राम नाम के बड़ को का बने बा
बोले शंकर भगवान की जय हो, बोले भगवानों के भगवान की जय हो। कौन है? गौ माता। तो बोले गौ माता की जय हो। मां